हेलो क्लास, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 5, दैट इज एनिमेटिंग टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है वो कई सारे टूल्स एंड फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से हम जो है प्रेजेंटेशन की अपीयरेंस को इन्हेंस कर सकते हैं। ओके, इन स्पेशल इफ़ेक्ट्स की हेल्प से आप अपने प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव, इफ़ेक्टिव, इंगेजिंग बना सकते हैं। ओके, और इस स्पेशल ये जो स्पेशल इफ़ेक्ट जो आप अप्लाई करेंगे वो एक बेटर इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं ऑडियंस पे। ओके, सो अब हम इस आगे जो है एनिमेशन इफ़ेक्ट्स को अप्लाई करना सीखेंगे। ओके, तो पहले हम ये जान लें कि एनिमेशन बेसिकली है क्या। आपसे अगर कोई पूछे कि एनिमेशन क्या है, तो आप सिंपल उसका जवाब देंगे कि द एबिलिटी टू मूव ऑब्जेक्ट्स लाइक टेक्स्ट, ग्राफिक्स, चार्ट्स, लोगोस इन एनी डायरेक्शन ऑफ द स्लाइड इज कॉल्ड एनिमेशन। इसका क्या मतलब हुआ? आप किसी भी स्लाइड में किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो ऑब्जेक्ट आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, ग्राफिक्स भी हो सकता है, चार्ट भी हो सकता है, लोगो भी हो सकता है, उसको आप किसी भी डायरेक्शन में स्लाइड में मूव कराने को ही हम क्या कहते हैं? एनिमेशन कहते हैं। ओके, अब हम ठीक है कैसे एनिमेशन को अप्लाई करेंगे। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन को ओपन कर रखा है, उसमें हमने एक सिंगल स्लाइड बना रखी है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, उस ऑब्जेक्ट को जो है सेलेक्ट करूँगा जिसको कि मुझे एनिमेट करना है। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, लिखा हुआ है ज़ेनिथ कॉन्वेंट स्कूल। अब मैं इसको एनिमेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, एनिमेशन टैब को क्लिक करूँगा। ओके, तो हमने एनिमेशन टैब को क्लिक करा, उसके बाद जो है हम ठीक है जो एनिमेशन पेन है, एनिमेशन पेन बटन है कहाँ पे, एडवांस एनिमेशन ग्रुप में, उसको क्लिक करेंगे। ओके, अब उसके बाद हम जो है क्या करेंगे, ऐड एनिमेशन बटन है जो कि एडवांस एनिमेशन ग्रुप में प्रेजेंट है, उसको हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारा एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा, जिसमें चार तरीके के एनिमेशन इफ़ेक्ट आपको मिलेंगे, और वो कौन कौन से हैं, इंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट एंड लास्ट वन इज़ योर मोशन पाथ। ओके, तो इन चारों का अपना जो है अलग अलग रोल होता है, हम उसको एक एक करके देखते हैं। तो इंट्रेंस इफ़ेक्ट क्या देगा? ओके, जैसा कि आप नाम से ही जो कि एंट्रेंस है, वो ये इफ़ेक्ट जब अप्लाई करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो ये डिसाइड करेगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है स्लाइड शो के ड्यूरिंग स्लाइड को कैसे इंटर करा रहा है। ओके, स्लाइड में कैसे वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इंटर हो रहा है। एक बार और इसको समझिए कि एंट्रेंस एनिमेशन इफ़ेक्ट को जब किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेंगे तो ये इफ़ेक्ट डिसाइड करेगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है उस स्लाइड में ड्यूरिंग स्लाइड शो जो है कैसे इंटर करेगा। ओके, उसके बाद मैं आपको एग्ज़िट, आप देखेंगे ये जो तीसरा ऑप्शन है वो एग्ज़िट ऑप्शन है। अब एग्ज़िट क्या डिसाइड करेगा, एग्ज़िट ये डिसाइड करेगा कि जो स्लाइड शो के ड्यूरिंग जो ऑब्जेक्ट है वो उस स्लाइड से कैसे एग्ज़िट करेगा। ओके, पहले हम इसका फीचर्स को समझ लेते हैं, उसके बाद हम उसको अप्लाई करना भी आपको दिखा देंगे। ओके, उसके बाद ये ऑप्शन है एम्फेसिस। ओके, तो इस एम्फेसिस ऑप्शन की हेल्प से हम जो स्लाइड शो के ड्यूरिंग जो ऑब्जेक्ट है वो आपको किस तरीके से दिखेगा, ये एम्फेसिस ऑप्शन जो है डिसाइड करेगा। ओके, उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है इसमें वो है मोशन पाथ। क्या है मोशन पाथ? इस इफ़ेक्ट को यूज़ करके
आप जो है स्लाइड में ऑब्जेक्ट के मोशन को आप क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। तो ये चारों चीज़ जान लेने के बाद हम एक एक करके इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो पहले हम एंट्रेंस को सेलेक्ट करते हैं। तो हमने उसमें जिसको भी जिस भी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे उसका हमें प्रीव्यू जो है स्लाइड में आपको क्या होगा दिखता हुआ मिलेगा। तो मैंने एंट्रेंस में ग्रो एंड टर्न ऑप्शन सेलेक्ट किया, ओके। उसके बाद फिर जो है ये तो हमारा एंट्रेंस का था। अब हम ये देख लेते ये डिसाइड कर लेते हैं कि इम्फेसिस ऑप्शन कैसे होगा, ओके। तो इम्फेसिस ऑप्शन के लिए हम क्या करेंगे कि कोई बोल्ड फ्लैश नहीं वेव वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके। तो ये इम्फेसिस का हो गया। अब उसके बाद हम जो है फिर से एक तीसरा एनिमेशन ऐड करते हैं जो कि क्या है आपका जो है मोशन पाथ है, ओके। तो मैं इसको जब सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये कैसे आपका मूव करेगा, मैंने ये वाला शेप सेलेक्ट कर लिया, ओके। उसके बाद फिर हम ठीक है एक आखिरी कि ये एग्ज़िट कैसे करेगा, ओके। तो यहाँ पे हमने एग्ज़िट वाले को जो है फ्लाई आउट सेलेक्ट कर लिया, ओके। अब यहाँ से हम इस प्ले वाले बटन को प्रेस करके उसका हम जो है क्या देख सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं, ओके। क्लियर, प्ले में जब आप कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि कैसे वो जो है स्लाइड में वो ऑब्जेक्ट एंटर हुआ, कैसे वो स्लाइड शो के ड्यूरेशन ठीक है वो आपको दिखा, कैसे उसने मूव करा और कैसे वो एग्ज़िट हुआ, ठीक है। और हम इसका स्लाइड शो भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये स्लाइड आपको दिख रही है, मैंने एक बार जब इसको नेक्स्ट बटन दबाया, नेक्स्ट मतलब राइट एरो, तो कैसे उसने एंट्रेंस इफ़ेक्ट दिया। उसके बाद दूसरे में ये इम्फेसिस इफ़ेक्ट आपको दिखा, तीसरी बार में आपको जो है उस कैसे वो मूव किया, और चौथे ऑप्शन में कैसे वो एग्ज़िट हो गया, ओके। तो किस तरीके से एनिमेशन इफ़ेक्ट को किसी भी स्लाइड के ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना होता है वो हमने आपको क्या करा बता दिया। आप अपने क्रिएटिविटी का यूज़ करके अलग अलग ठीक है ऑप्शंस को सेलेक्ट करके उसका जो है स्लाइड शो आप क्या करेंगे देख लेंगे, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही।